सूद। अभिषेक बच्चन, विकी कौशल और तापसी पन्नू की फिल्म मनमर्जी आज थिएटर्स पर रिलीज हो चुकी है। अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है। अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि ये फिल्म आपके देखने लायक है या नहीं। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। कहानी पंजाब के अमृतसर की है, जहां विकी यानी कि विकी कौशल और रूमी यानी तापसी पन्नू के बीच गहरा इश्क है। विकी हमेशा घर के छज्जे से कूदकर रूमी से मिलने आता है और इस बात का पता पूरे मोहल्ले को होता है। जब इसकी जानकारी रूमी के घर वालों को होती है तो वो शर्त रखते हैं कि विकी को रूमी से शादी करनी है तो उसे घर आकर हाथ मांगना पड़ेगा। लेकिन जनाब, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रूमी की शादी NRI रॉबी यानी कि अभिषेक बच्चन से तय हो जाती है। उसके बाद इन तीनों की जिंदगी में कौन सा बड़ा भूचाल आता है, उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिले जुले रिएक्शन मिले हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म की कहानी बेहद ही सिंपल है, लेकिन अनुराग कश्यप ने इसे अपने अंदाज में पेश किया है। फिल्म में गानों से लेकर इमोशन तक वो सब है जो एक रोमांटिक फिल्म में होना चाहिए। फिल्म का स्क्रीन प्ले कमाल का है और अनुराग कश्यप का डायरेक्शन भी शानदार है। वहीं फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है, जैसे फिल्म बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक टाइम पे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि इंटरवल कब होगा। बात करें सास की एक्टिंग की तो फिल्म में विकी कौशल और तापसी पन्नू ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। वहीं दो साल बाद वापसी कर रहे अभिषेक ने भी अपना बेस्ट दिया है। फिल्म का म्यूजिक बेहद ही शानदार है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि आपको रोमांटिक फिल्में देखना अगर पसंद है तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। बता दें क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3 स्टार्स दिए हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।